हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स टेलीवीजी से कर किसी कंपनी में अकाउंट्स की जॉब करना चाहता है, लेकिन फ्रेशर होने के कारण उसके दिमाग में कई प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे कि उस कंपनी में अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्या वर्क होता है, उस कंपनी में अकाउंटिंग से रिलेटेड मेरे से क्या क्या वर्क करवाया जाएगा, जो वर्क करवाया जाएगा वो वर्क मुझे आता है या नहीं आता है, यानी कि इस तरीके का एक फ्रेशर स्टूडेंट के मन में डर सा बैठा रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा भी आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कम से कम आपको क्या आना चाहिए, यानी कि आपकी जो मिनिमम जो स्किल्स है अकाउंट से रिलेटेड वो कितनी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने कैरियर की शुरुआत आसानी से कर सको, या जिस कंपनी में आप अकाउंट्स का वर्क करने जा रहे हो वहाँ पर जो अकाउंट्स का वर्क है वो आप ईजिली तरीके से कर सको। और आपको यह भी बताऊंगा भी एक फ्रेशर स्टूडेंट्स को शुरुआत में कंपनियों में क्या क्या वर्क एक फ्रेशर स्टूडेंट से करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को एंड तक। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी टेली बीजी और अकाउंटिंग से संबंधित आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स टेली या बीजी से कर किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो उसे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे पहले कंपनी में ज्वाइनिंग करने से पहले जरूर जान ले। नंबर पहली बात, कि जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो या जिस कंपनी से आपको ऑफर मिला हुआ है, तो सबसे पहले आप उस कंपनी के वर्क के मॉड्यूल को समझो, यानी कि भी वो जो कंपनी है वो किस टाइप का बिजनेस करती है, भी वो ट्रेडिंग का बिजनेस करती है या कोई मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है या वो कोई सर्विस का बिजनेस करती है, यानी कि आप जितनी ज़्यादा उस कंपनी की अकाउंटिंग से संबंधित जानकारियां आप इकट्ठा कर लोगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है जब आप उसमें अकाउंटिंग वर्क करोगे। तो फ्रेंड देखो, किसी भी कंपनी में जब कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स अकाउंटिंग के लिए जाते हैं तो शुरुआत में उसे कोई कंप्लीट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कोई वर्क करवाया नहीं जाता, क्योंकि कंपनी को भी पता है अभी अकाउंट्स के आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो आपसे केवल जो कंपनी के जो रूटीन वर्क होते हैं, रूटीन वर्क का मतलब भी जैसे उस कंपनी में आज कितना सामान खरीदा गया, जो परचेज वाउचर्स आए हैं उसकी एंट्री करना आपको पड़ेगा, कितना सामान आज कंपनी से सेल हुआ है, जो सेल्स वाउचर बने हैं उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। कुछ एक कंपनी होती है जो मैनुअल इनवॉइस बना के देती है सेल्स का, बाद में उसे कंप्यूटराइड करना होता है, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। या कई कंपनी होती है जो बिलिंग होती है, जो यानी कि सेल्स बिल वो डायरेक्टली कंप्यूटराइड ही करती है, तो आपको कंप्यूटराइड भी बिलिंग करनी आनी चाहिए। या उस कंपनी से आज कितना भुगतान किया गया है, यानी कि कितनी पेमेंट लोगों को करी गई है, वो चाहे बैंक के द्वारा करी गई हो चाहे वो कैश के द्वारा करी गई हो, तो इनके वाउचर्स भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। या उस कंपनी में कितने पैसे आज आए हैं, चाहे वो पैसा बैंक के थ्रू आया हो चाहे वो कैश के थ्रू आया हो, तो उसके वाउचर भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। या बैंक से रिलेटेड जो भी वाउचर होंगे, जैसे कि बैंक में आज कैश डिपॉजिट करवाया है तो उसकी स्लिप्स की एंट्री किस तरीके से होगी, या आज बैंक से पैसा विड्रॉ करवाया है तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेगी, यानी कि ये जो अकाउंटिंग का जो रूटीन वर्क होता है ये एक फ्रेशर स्टूडेंट से शुरुआत में करवाया जाता है। तो कम से कम आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वाउचर किस एंट्री में पोस्ट होएगा और उस वाउचर्स की जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, उस वाउचर से हम किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। तो ये सिंपल सा जो फंडा है आपको ये आना ही आना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो तो, क्योंकि फ्रेंड शुरुआत में आपको ये नहीं है कि आपको बुक्स की फाइनलाइजेशन भी आपको करनी पड़ेगी, या जो टैक्सेशन से संबंधित जो भी वर्क होता है, जैसे जीएसटी का टैक्स डिपॉजिट करवाना है या जीएसटी की रिटर्न तैयार करनी है या टीडीएस के चालान डिपॉजिट करवानी है या टीडीएस का जी रिटर्न है वो आपको तैयार करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआत में आपको केवल ये जो बेसिक एंट्री है वही करनी होती है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है एक नए स्टूडेंट्स के मन में ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम होता है भी मैंने तो 6 महीने वाला अकाउंटिंग कोर्स किया हुआ है, उस कोर्स के मैंने 10,000 रुपये फीस भी पे किए हैं, तो मुझे तो सब कुछ अच्छी तरीके से नॉलेज है, मुझे तो सब कुछ आता है। या मैंने 1 साल वाला अकाउंटिंग कोर्स सीखा हुआ है, उस इंस्टीट्यूट से सीखा हुआ है, मैंने 20,000 रुपये अकाउंटिंग कोर्स की फीस पे की है, तो मुझे तो अब किसी की जरूरत भी नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से सारा नॉलेज है, मैं सब कुछ अपने आप ही कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, एक इंस्टीट्यूट नॉलेज होना और एक रियल बिजनेस का प्रैक्टिकल नॉलेज होना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए भी आपको अगर इंस्टीट्यूट नॉलेज है तो आपको कुछ सब कुछ आता है,
सब कुछ 100% किसी को भी नहीं आता, सब कुछ अपना जो जानकारी है एक दूसरे से ही इंक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कंपनियों में भी, वहां पर अकाउंटिंग का वर्क तो और कोई मेंटेन करता होता है, लेकिन जो टैक्सेशन का और जो बुक्स के फाइनलाइजेशन का जो वर्क होता है वो कोई और ही आके करता है। लेकिन कई कंपनियों में ऐसा होता है भी जो अकाउंटिंग मेंटेन करता है उसे ही बुक्स के फाइनलाइजेशन और टैक्सेशन से संबंधित जो भी वर्क होता है वो उसी को ही करना होता है। ये मत समझना भी मेरा तो काम केवल अकाउंटिंग वाउचर्स को मेंटेन करना है, मुझे टैक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप अपने सीनियर के साथ चलते रहोगे तो सीनियर के साथ आपको ये सब कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको सीखने की चेष्टा भी रखनी पड़ेगी। आपको केवल इतने पे डिपेंड नहीं रहना भी मेरा वर्क कंप्लीट हो गया अब मुझे इससे आगे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अकाउंट्स में सीखते जाओगे उतना आपका जो स्किल है वो डेवलप ऑटोमेटिक होती जाएगी, आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो फ्रेंड जिस इंस्टीट्यूट से आपने टेली बीजी या अदर कोई भी अकाउंटिंग कोर्स आपने सीख रखा है, अगर आपने टेली बीजी में रियल बिजनेस से रियल वाउचर्स के साथ आपने प्रैक्टिस करके अगर आपने टेली बीजी सीखा है तो आप किसी भी कंपनी में जब जॉब करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस वाउचर से आपने प्रैक्टिस करी है पहले वही वाउचर्स आपको कंपनियों में आगे मिलेंगे AGTG। तो कम से कम आपके वो वाउचर्स तो ध्यान में आए भी इस टाइप के वाउचर जो इस तरीके की इंट्रीज में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो उन स्टूडेंट्स को आती है जो स्टूडेंट्स केवल टेली या बीजी सीखते हैं, यानी कि टेली की बुक्स के आधार पर ही वो टेली का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो उन्हें किसी भी, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो सारा खेल चलता है वो सिर्फ ग्रुप्स का ही चलता है, जो क्योंकि सॉफ्टवेयर जो भी अकाउंटिंग मेंटेन करता है वो सारा ग्रुप से रिलेटेड ही वर्क होता है सारा। आपको पता होना चाहिए भी ये इस वाउचर्स के अंदर ये जो लेजर है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, या हमारे बैलेंस शीट का पार्ट है, कौन सा लेजर किस ग्रुप में सिलेक्ट होएगा। या जब आप स्टॉक आइटम जब क्रिएट कर रहे हो तो स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त आपको स्टॉक आइटम का नाम किस तरीके से लिखना है, उसकी ग्रुप की सिलेक्शन किस तरीके से करनी है, और उसकी आपको यूनिट किस तरीके से सिलेक्शन करनी है, उसका आपको GST इनेबल कैसे करना है, और HSN कोड क्या चीज़ होती है, यानी कि ये जो बेसिक फंडामेंटल है इसकी तैयारी आपकी सबसे पहले होनी चाहिए। ये जो आपके मन में जो एक डर बैठा हुआ है भी मेरे से सारा अकाउंटिंग वर्क करवाया जाएगा लेकिन ये सारा मुझे आता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर आदमी धीरे धीरे ही सीखता है, हर आदमी अपनी प्रैक्टिस से ही सीखता है, और प्रैक्टिस आपको तभी करने को मिलेगी जब आप रियल बिजनेस में जाके रियल बिजनेस वाउचर्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। बुक्स नॉलेज से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कभी नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना इस बात को। अगर आपके दिमाग में भी इस टाइप का एक डर बैठा हुआ है भी मुझे अकाउंटिंग का वर्क आता नहीं है, मुझे कंप्लीट वर्क नहीं आता, कंपनियों में तो बहुत बड़ा अकाउंट्स का वर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपसे शुरुआत में केवल जो बेसिक एंट्री जो होती है मैंने जो आपको बताया वो ही आपसे करवाई जाएगी, फाइनलाइजेशन अभी आपसे नहीं करवाया जाएगा क्योंकि कंपनी वाले भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन आपको ये अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करके ये सब कुछ आपको धीरे धीरे अपना नॉलेज है वो इंक्रीज करते जाना है। और अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए या इस वीडियो के कमेंट में। आप हमें भी कोई फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो वो फ्रेशर ही होता है, लेकिन उसका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे वो उसके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, उसने कितनी मेहनत करी है प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते जाओगे उतना ज़्यादा नॉलेज आपका इंक्रीज होता जाएगा, उतनी ज़्यादा स्किल आपकी डेवलप होती जाएगी। लेकिन आपको जो सीखने की जो चेस्ट है वो बिल्कुल कम नहीं करनी है, उसे आप हमेशा बढ़ाते ही रहना है। आप ये मत समझना भी मेरा वर्क कंप्लीट है अब मुझे आगे का कोई वर्क सीखना ही नहीं है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, तो आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने सीनियर के साथ चलिए, जो सीनियर वर्क कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझिए, फिर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज मिलती जाएगी। आपने एक या दो साल आपने वर्क कर लिया तो आपको नॉलेज है थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो बुक्स का जो फाइनलाइजेशन जो वर्क होता है वो कोई रूटीन में वर्क नहीं है, क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट बननी है वो साल में एक बार ही बननी है, हालांकि जो GST रिटर्न है वो आपको मंथली देखने को मिलती है। तो आप उन चीज़ों से धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा अपने सीनियर के साथ रहते हुए, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट भी आपको करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर भी आप जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी या आपका कोई भी सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।